कई बार लोगों का मेरे को हमेशा क्वेश्चन ये रहता है पूछते हैं कि डॉक्टर्स ने हमें पाइल्स का ऑपरेशन करने के लिए कहा है हिमरॉयड्स जिसे हम कहते हैं बवासिस जिसे कहते हैं तो ऑपरेशन करने के लिए क्या आ, कहा है और प्रिया जी अगर आपके पास आते हैं तो क्या आप डायरेक्टली कुछ ऐसी दवाई देंगे कि हमारा ऑपरेशन अवॉइड हो सके या हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना करनी पड़े तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो पता करना पड़ता है कि आपका पाइल्स कौन से टाइप का है क्या आपको एक्सटर्नल पाइल्स है इंटरनल पाइल्स है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वाले पाइल्स हैं साइज कितनी है पाइल्स की और पाइल्स के साथ कई बार फिशर होते हैं कई बार फिश चूल्हा होता है तो देखना पड़ता है कि पाइल्स के साथ में और क्या क्या प्रॉब्लम है लोगों को पाइल्स की वजह से इतने सीवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं कि बैठ भी नहीं पाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े एक्सटर्नल पाइल्स जो होते हैं बवासीर जिसे हम कहते हैं मूल व्याध जिसे कहते हैं वो बाहर होते हैं तो ऐसे अगर बहुत ही सीवियर पाइल्स हैं और एक्सटर्नल आ चुके हैं और बिल्कुल उठना बैठना उनका नामुमकिन ना हो गया है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो रही है तो डिपेंड्स कि कौन से स्टेज के पाइल्स हैं अगर सर्जिकल ओपिनियन आने तक आपने उसको अवॉइड किया निग्लेक्ट किया है तो फिर तो उसको सर्जिकल ओपिनियन करना पड़ता है लेकिन आपके अगर पाइल्स छोटे से हैं और ब्लीडिंग पाइल्स हैं आप तुरंत अगर डाइट लाइफस्टाइल चेंज करते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग जिससे कॉन्स्टिपेशन होती है उसको हमने देखा हुआ है पाइल्स की प्रॉब्लम आती है अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत है तो कब्ज़ की वजह से प्रेशर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ के जो वेन्स होते हैं वो वेरिकोज हो जाते हैं स्ट्रे, उसका स्ट्रेनियस जो प्रेशर होता है वो उसको पाइल्स का स्वरूप दे के मुरव्याध यानी पाइल्स को बाहर लाता है तो सबसे उसकी जो अहम उसके बीमारी के पीछे का जो रीज़न है वो है कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन उसको केयर करना पड़ता है आयुर्वेद जब भी पाइल्स की ट्रीटमेंट देता है तो पहले अग्नि की ट्रीटमेंट देता है कि आपके डाइजेस्टिव फायर्स को पहले ठीक किया जा सकता है ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन का जो बेसिक रीज़न है वो चला जाए और आपके जो पाइल्स हैं अगर उसको प्रेशर ही नहीं आता है तो वो ए, बाहर प्रोट्रूट नहीं होते हैं कई बार ब्लीडिंग पाइल्स जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं बिल्कुल ही उसमें दर्द नहीं होता है जबकि खाली कॉन्स्टिपेशन होता है या जब भी टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट होने के बाद में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है तो ब्लीडिंग पाइल्स को रोकने के लिए तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं वो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो देखिएगा कि खाने पीने में अगर ब्रेड पास्ता नूडल्स चने खास करके देखा गया है पाइल्स के पेशेंट के लिए चने अच्छे नहीं होते हैं तो चने का प्रयोग नहीं करना चाहिए तीखे खाने नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है वो भी पाइल्स के पेशेंट को नहीं चलता है तो ग्रीन वेजिटेबल जितने आप ज़्यादा लेते हैं जो सारक होते हैं लेग्जेटिव होते हैं तो वो आपको सहायता करेंगे गर्म पानी पीना चाहिए दूसरा लस्सी जो होती है पतली छाछ जिसे हम कहते हैं वो ताक मराठी में कहते हैं अगर आप पतली लस्सी लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है पाइल्स के प्रॉब्लम्स के लिए तुरंत ही उसका रिजल्ट आ जाता है अगर ब्लीडिंग पाइल्स जिन्हें खास करके हैं उनको तो तुरंत पहले दिन से थोड़ा सा ब्लड दिखता है पाइल्स दिखता है तुरंत लस्सी लेना शुरू करना चाहिए लस्सी में जिंजर ब्लैक पेपर ब्लैक सॉल्ट आप डाल सकते हैं न जीरे की जो भुने हुए जीरे की पाउडर उसमें डाल सकते हैं विच इज़ अगेन वेरी गुड फॉर अग्नि फैक्टर तो वो आप ध्यान रखेगा और अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो आप ज़रूर आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट्स होती है जिसमें नाक केसर यानी सेफ्रॉन जो है वो आता है नटमेग है उससे ब्लीडिंग कंट्रोल होती है आयुर्वेदिक कई दवाइयाँ हैं रेडी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाते हैं तो आप ज़रूर उसको ट्राई करके देखिएगा